मोदी सरकार की गारंटी वाली वैन आज बकरी में पहुंची है और मुझे मिल गए हैं श्री राम सोनकर जी, पूर्व विधायक, कई बार के विधायक और पूर्व मंत्री भी रहे हैं आप। कैसे आना हुआ इसमें? इस समय विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा जो है पार्टी की तरफ से चल रही है, मोदी जी की तरफ से चल रही, इस नाते मकरी ग्राम सभा भी अनेक विधानसभा के गांवों में जाना हो रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाए, आपको 1991 के दौर में लिए चलते हैं जब कल्याण सिंह जी की सरकार थी और आप अपने साथियों के साथ अयोध्या पहुंचे थे, क्या मामला था वो? उस समय विवादित ढांचा का मामला था और उस समय सरकार जो बनी थी, उस समय मैं युवा विधायक था, मेरी उम्र 27 साल थी और माननीय कल्याण सिंह जी मुझको बहुत मानते भी थे और आडवाणी जी का 3 दिसंबर 1992 को महमदाबाद चौराहे पर हम लोगों ने कार सेवा के लिए जनसभा भी कराई थी और हम लोग मौके पर वहाँ उपस्थित भी थे। पूर्वांचल के नेताओं में जब भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जाता है तो उसमें आपका नाम भी आता है और जब से आपने पार्टी ज्वाइन की, पार्टी छोड़ा नहीं, कितना प्रभावित रहते हैं और ये विकसित यात्रा का कितना लाभ होगा पार्टी को? विकसित यात्रा का पूरा लाभ होगा क्योंकि जो सुविधाएं जनता को मिल रही है, जनता संतुष्ट है और पार्टी न छोड़ने की बात है कि क्योंकि हम लोग जो है जहां जुड़े हैं राम के नाम पर या काम के नाम पर, तो हमेशा हम लोग मजबूती से रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मुझे अहमदाबाद से अब तक 32 साल हो गया, मैं निरंतर लगा हूँ और अहमदाबाद इस आजमगढ़ मंडल में अहमदाबाद 3 बार मैं विधायक रहा हूँ और 97 में मैं स्टेट कल्चर मिनिस्टर रहा हूँ, संस्कृत मंत्री रहा हूँ। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं उस समय पिछली विधायकी में मैं 50 लाख रुपया जो है देवल बाबा को दिलवाया हूँ, आज सुंदरीकरण हो रहा है ये पूरा क्षेत्र अब सभी लोग जानते हैं। और जो फैजाबाद का नाम जो छोटा नाम था उसको मेरे ही प्रस्ताव पर यानी अहमदाबाद की जनता ने जो मोहर लगाया था, मैं ही उसको भी लिखा था, डिफिनेशन में लिखा था कि फैजाबाद छोटा नाम है और अयोध्या बड़ा नाम है, अयोध्या उसको कहते हैं, डिफिनेशन में मैं बताया कि जिसे कोई योद्धा जीत न सके उसे अयोध्या कहते हैं। 22 तारीख यानी परसों का दिन पूरा भारत राममय है, पहले से ही है, तो क्या उसको लेकर बोलेंगे? 22 तारीख को हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और यहाँ जनता से हम आह्वान करेंगे कि हर मंदिर पर दीपक जलाएं, अपने घर में 5 दीपक जलाएं, अपना दीपावली जैसा माहौल बनाएं, क्योंकि जो 500 बाद जो हमें सनातन धर्म में भारत में मिले हैं राम, उनकी पूरा अनुगाथा गाथा गाई जाए और खुशियां मनाई जाए। आपके बगल में सीता राय खड़ी है, महिला नेताओं की बात करें तो काफी जुझारू नेता हैं, इनके बारे में क्या बोलेंगे? तैयारी तो इनकी चल रही है। ऐसा है कि बोलने के लिए जब हम लोगों से पार्टी पूछेगी तब उसके बाद हम लोग राय देंगे, अभी इस तरह से कुछ कहना पार्टी के अनुशासनहीनता हो। बड़े नेता हैं, इनकी एक्टिवता देखकर, लोगों के बीच आना जाना देखकर क्या लगता है आपको? वो अच्छा लगता है, अच्छा है, इस बारे में हम लोगों से राय मांगी जाती है तब उस समय राय देंगे। इस बार तो घोसी में अस्थानी का भी मुद्दा काफी गर्म है, लगा दीजिए उनको, तो इस पे आपका ध्यान कभी जाता है? ऐसा नहीं, स्थानीय का कोई मुद्दा नहीं था, जो बीत गया वो दूसरा माहौल था, अब स्थानीय वाला मामला देखेंगे तो बहुत से लोग दूसरे जगह जाके लड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी तो यहाँ स्थानीय नहीं हूँ, मैं भी स्थानीय नहीं हूँ, लेकिन 32 साल हो गया, लेकिन आज तक मेरे नाते यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विवाद मेरे नाते नहीं हुआ। चलिए, सीता राय जी हैं हमेशा विकसित, खासतौर से विकसित यात्रा में आप दिख जाया करती हैं, लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए, मंत्री जी से भी मेरी बात हुई, क्या माहौल है इस समय? बिल्कुल, काम है और राम है, दो चीजें दिख रही हैं, मोदी जी का काम और जनता के मन में राम, कि राम जी परसों प्राण प्रतिष्ठा है, तो इस समय तो सिर्फ राम और काम के अलावा इस पूरे देश में कुछ नहीं दिख रहा है। 22 तारीख को अयोध्या जाना है, हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ पे मंदिरों में हर जगह वो देखेंगे भी और सबके साथ मिलके पूजा पाठ करेंगे, कई मंदिरों में हम लोगों को जाना है। उससे थोड़ा सा पहले जाए तो पहले के परिवेश में और अब में क्या अंतर देखती है सीता राय? देखिए, जब इसके पहले जब 2014 से 10 साल हो गया मोदी जी आए हैं, तो सब चीज़ें बहुत बदली हैं। आप देखिए कि अनगिनत योजनाएं बहनों के लिए, कितना जो लाभ बिना एक आने कहीं घोटाले के
एक चीज और देखिए कि एक चार आने का घोटाला कोई नहीं कह सकता है कि योगी मोदी सरकार में किसी की हिम्मत हो, कोई घूस भी मांग सके, कोई घोटाला भी कर सके। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि घर घर जाके और समस्या पूछना भी, आपको सुविधा भी देना है और अगर नहीं पहुंचा है तो क्यों नहीं पहुंचा है उसको पहुंचाने के लिए भी जिम्मेदारी हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और हम लोग उठा रहे। बिल्कुल ऐसा पहली बार शायद से देखने को मिल रहा है कि सारे विभाग के अधिकारी एक साथ और पार्टी के जो नेता है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो खुद गांव में जा रहे हैं और सरकारी योजनाओं को बता रहे हैं। सरकार योजनाएं लागू करती थी लेकिन लोगों को जानकारी ना होने की वजह से उन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब तो बकायदा योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, जो वंचित है तुरंत रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आवास को किसी भी योजना का लाभ, कई बार होता है कि हम नहीं समझ पाते या बाद में चक्कर लगाना पड़ता है, इनको जाएंगे ब्लॉक पे देखेंगे भाई हमको आवास चाहिए, हमको उज्ज्वला योजना भी चाहिए, हमको शौचालय, तो इसके लिए सब लोग आ ही रहे हैं और ऐसा हम लोग भी नहीं देखे इसके पहले कि अभी देखिए अभी चुनाव आने वाला है, आप देख लीजिए वोट मांगने काम तो दूर की बात है, कोई जनता से वोट मांगने के लिए भी अपने घर से नहीं निकल रहा है, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं लेकिन अपने घर में बैठ कर, कौन सपा बसपा कांग्रेस का कोई आपको दिखाई दिया? आप पत्रकार हैं, आप जाके घूम के देखिए सारी जगह, तो सिर्फ एक ही दिखाई देंगे, राम जी दिखाई दे रहे हैं और मोदी जी का काम है और हम सब भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, पूरा जीवन दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को और इसलिए दिए हैं क्योंकि राम और काम, इसके अलावा तीसरा चीज तो कुछ है ही नहीं, पूरी ईमानदारी से राम और काम पे हम लोग चलते हैं, चल रहे हैं, चलेंगे। चलिए मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे चैनल पे बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। ग्राम प्रधान मकरी, प्रधान प्रतिनिधि अनिल यादव। अनिल जी, किस तरह का कार्यक्रम था आपके ग्राम सभा में? कार्यक्रम तो बहुत शानदार था भैया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम ने हमने बहुत शानदार करवाया। लगभग कितने विभाग के अधिकारी यहाँ आए थे? लगभग हमको लग रहा है कि 10-12 विभाग के कर्मचारी यहाँ आए थे। जनता की जो मुख्य समस्या थी क्या उसे कुछ समाधान मिला है? जी समाधान मिला है जी, सरकार का जो गारंटी रथ है लोगों का, जो गरीब तथ्यों के जो जनता छूट रही है जी, क्या कैंप में क्या क्या उनकी समस्या थी, क्या क्या समस्या जी? सभी लोग अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए थे, हर विभाग के लोग हर बात अपनी रखे हैं जनता के बीच में, वो पूरा करेंगे आने वाले समय में, पूरा भी कुछ हो रहा है कुछ करेंगे भी। इस कार्यक्रम को लेकर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम बहुत बहुत अपने दिल की गहराइयों से बधाई और धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि बहुत ही तरक्की और ऊंचाइयों के रास्ते पर हमको ले चल रही है सरकार, बहुत ही ऐसी योजना है। ठीक, धन्यवाद।